खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बीजेपी की प्रवक्ता शायना एनसी भी मुंबई से हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं। शायना, आपने ये बहस थोड़ी देर से ज्वाइन की, लेकिन लगातार जिस तरह से इस मसले पर हम बहस कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल ये भी उठा कांग्रेस की तरफ से, ये आरोप भी लगा कि क्या मोदी सरकार के आने के बाद हिंदूवादी संगठनों के हौसले बुलंद हैं और इसलिए इस तरह की घटनाएं ज्यादा पेश आ रही हैं, ज्यादा होती हुई हमें नजर आ रही हैं, ऐसा है क्या? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदुत्व का मतलब क्या है। हिंदुत्व का मतलब है जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। भारत जैसे देश में जहां इतने सारे कौम के लोग अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से रहते हैं, तो हिंदूनेस का मतलब क्या है? हिंदूनेस का मतलब है कि एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे को टॉलरेट करना और सबसे महत्वपूर्ण एक दूसरे को असिमिलेट करना। अभी जो कोई संगठन या कोई सोच विचारधारा सोचे कि वो एक अपने बलबूते कोई बयानबाजी करे या कोई रिएक्शन दे, तो इसका मतलब नहीं कि ये सरकार की भूमिका है। और समझ लीजिए, हमारी सरकार आई है यहाँ काम करने के लिए, कोई मुद्दे पे डिफ्लेक्ट होना नहीं है। रही बात कि बहुत बार मोदी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह आपने उठाया, मोदी जी ने स्वयं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि जो लोग बयानबाजी करना चाहते हैं, लोगों को एक ढंग से घेराना चाहते हैं, तो वो अपने दम पे कर रहे हैं। इससे वो नकारात्मक सोच को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, सकारात्मक रूप से काम करते जाएंगे। और विशाल देश जो भारत है, जहां 125 करोड़ की आबादी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दा जरूर उठेगा। आज मीडिया इतनी जागरूक है कि कोई भी मुद्दे को लेके वो विवाद में चर्चा जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो चर्चा का आधार या वो संगठन का आधार लोग है। सरकार बहुत अच्छी बातें आपने कही, बहुत अच्छी बातें आपने कही, लेकिन फिर आपके हिसाब से आखिर ये कौन लोग हैं जो देश का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं? क्या बीजेपी सामने आकर बीजेपी के नेता इसकी निंदा करेंगे? एक सेकेंड, ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए, ऑफकोर्स होगी, क्यों नहीं होगी, कानून कायदे के अनुसार होगी। और प्लीज समझ लीजिए कि जो कोई भी इस विशाल देश में अपना राय मत भेद रखे और उससे आप सहमत हो या नहीं सहमत हो, इसका मतलब नहीं कि उसको उसकी शुरुआत हुई है सरकार की भूमिका को लेके। सरकार की भूमिका एक ही है कि कानून कायदे को बरकरार रखना, काम करते जाना और बयानबाजी में नहीं करना। आपका जवाब देना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप अटैच करना चाहे तो भी आप बोल सकते हैं कि मोदी जी के आ गए इसलिए हिंदू फ्रिंज एलिमेंट्स को मौका मिला है। कौन है ये फ्रिंज एलिमेंट्स? किसने उनको बढ़ावा दिया है? कौन है इसके पीछे? आप वो भी जरा जानकारी कीजिए। जो कोई कहे कि वो बीजेपी से जुड़े हैं, इसका मतलब नहीं कि वो जुड़े हैं। आपको सोच समझ के ये रिपोर्टिंग भी करना चाहिए, क्योंकि शायद ये सवाल इसलिए बाजी हो जाता है ना जब विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के कुछ नेता ऐसी घटनाओं का समर्थन कर देते हैं। दिक्कत तो वहां हो जाती है। शहजाद, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। समीर भाई, शायना एनसी जो है वो इंग्लिश बहुत अच्छा जानती है। एक इंग्लिश का मुहावरा है, चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो चैरिटी बिगिन्स एट होम के तर्ज पर क्यों ना हम लोग कैलाश विजयवर्गीय जी, जो जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के, छोटे मोटे नहीं है, जिन्होंने आमिर खान को धमकी दी है, जो शायना एनसी के बहुत अच्छे दोस्त है बाय द वे, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है शायना जी, उनको धमकी दी है कि एक शाहरुख खान को तो निपटा दिया, दूसरे को भी निपटाएंगे। तो पहले तो शायना जी उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगी, कम से कम मौखिक तरीके से, इफ नॉट दार्शनिक तरीके से। दूसरी बात जो शायना कह रही है, मैं उनकी बात से पूरी तरह एग्री करता हूं कि ये मोदी जी का एजेंडा नहीं है, पर वीके सिंह, साध्वी ज्योति, ये लोग तो मंत्री है, योगी आदित्यनाथ एमपी है, आप कहां तक डिनाई करेंगे इन लोगों के एग्जिस्टेंस को? आपको कहीं ना कहीं तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और तीसरी बात, शायना जी क्योंकि कभी आरएसएस में रही नहीं है, क्योंकि वहां पे महिलाओं को अलाउ नहीं है, तो उन्होंने हिंदुत्व के डेफिनेशन को हिंदुस्तानियत से कंफ्यूज कर दिया। हिंदुत्व का डेफिनेशन शायना जी वो है जो गोलवालकर जी ने बंच ऑफ थॉट्स में लिखा था, जिसमें मुसलमान और क्रिश्चियन को आंतरिक खतरा बताया था। कि आरएसएस के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, बताया मुसलमान और क्रिश्चियन को। अब शायना जी के परिवार की ये अहमियत है कि उनके घर में हिंदू भी है, जैन भी है, मुसलमान भी है। शायना जी, क्या मुसलमान जो आपके परिवार में है वो गोलवालकर जी के अनुसार वो एक आंतरिक खतरा है? क्या आप इस बात को अग्री करती है? अगर नहीं करती है तो कहिए शो पर कि आरएसएस के गोलवालकर जी गलत थे और वो हिंदुत्व नहीं है, वो हिंदुस्तानियत नहीं है, और जो मैं कह रही हूं वो हिंदुस्तानियत है, आरएसएस के गोलवालकर गलत है, ये कहकर दिखाइए।
अभी मैं जवाब दूं जी। शहजाद आप एक मिनट कृपया मुझे सुन लीजिए। आरएसएस के बारे में इतने सारे लोग जो नासमझी होने के नतीजे से बयान देते हैं, मैं कृपया ये आपको विनंती करूंगी, कहां कहा है कि आरएसएस कोई भी कौम के खिलाफ है? क्या आपको पता है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्या काम करती है? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच शाना जी, हम आरएसएस पर नहीं जाते हैं, हम बीजेपी पर ही रहते हैं। चलिए आरएसएस की बात नहीं करते हैं, जो आप गलत फहमी में रहना चाहते हैं, तो संघ की एक विशेषता है कि जिसको जो बोलना है बोलते जाए, वो कोई प्रोपेगेंडा या क्लैरिफिकेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका एक ही मकसद है, वो है देश के हित में काम करना। शायना जी मेरी सुन लीजिए, शायना जी मेरा एक एक मिनट, अंसार रजा साहब, शायना जी मेरा सवाल ये है, हम बीजेपी पर ही रहते हैं, आरएसएस की बात नहीं करते हैं। आज जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय साहब ने बयान दिया, उससे पहले भी बहुत सारे वो बयान दे चुके हैं जिन पर उन्हें माफी मांगनी पड़ी है। आज फिर उन्होंने कहा है कि जब इस देश में कोई असहिष्णुता की बात करता है तो उसका इलाज करना पड़ता है, एक का इलाज कर दिया है, दूसरा अभी बाकी है, अब दंगल में मंगल करना है। यानी आमिर खान को सीधे सीधे बीजेपी के महासचिव स्तर का एक नेता धमका रहा है। कश्मीर के प्रभारी भी शामिल है उसी में, इस पर आप क्या कहेंगे? माधव भी शामिल है उसमें, उनका भी बयान देख लीजिए। अभी एक मिनट देखिए, जो बयानबाजी पे कोई कार्रवाई करे तो मुझे लगता है कि ये तो प्रजातंत्र लोकतंत्र के ही खिलाफ है। क्यों नहीं हर एक व्यक्ति अपना राय मत भेद रखे? मैं सहमत, आपके हिसाब से किस दृष्टि से वो विचारधारा आ रही है, किस दृष्टि में और किस दिशा में? देखिए मुद्दा ये है, ये तो सीधे धमकाना है, कोई व्यक्ति की सर्टिफिकेट नहीं है। शायना जी आप ये बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि शाहरुख खान की जब फिल्म आई दिलवाले, उसका मध्य प्रदेश में किस तरह से विरोध हुआ, फिल्म से जुड़े हुए लोगों को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ा। एक मिनट शायना जी, कैलाश विजयवर्गीय उसी इंसिडेंट का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एक का इलाज हो चुका है, यानी दिलवाले को नुकसान हो चुका है, शाहरुख खान को नुकसान हो चुका है, अब दंगल का मंगल करना है। इसमें क्या कुछ छुपी हुई बात आपको नजर आती है? जवाब तो आपने ये दो बार, आपके दो बार या चार बार दोहराने से कोई मुद्दा नहीं बनता है। मुद्दा बनता है ये कि जो कोई व्यक्ति राय मत रखे, उन्होंने जो कानून कायदे हाथ में उठाया तो जरूर कार्रवाई होगी, लेकिन जो उनकी एक व्यक्तिगत मत है तो मुझे मतभेद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप कार्रवाई करें। कार्रवाई तब होता है जब किसी ने कानून अपने हाथों में लिया है। और यहाँ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। शायना जी बड़ी समझदारी की बात आपने की कि व्यक्तिगत तौर पर आदमी बयान देता है देना चाहिए, ठीक है। राम माधव ने एक बयान दिया, विजयवर्गीय ने एक बयान दिया, इसका मतलब आप लोग चाहे जितना कश्मीरी लोगों को चिल्लाते रहिए कि आप जो है वहां आईएसआई के झंडे मत फहराइए, इसलिए कि सबको अपनी राय है, आपने एक राय दे दी, उनकी राय है वो कर रहे हैं, इसलिए मसरत आलम को छोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि यही हुआ ना। अगर हम आपकी बात को लेकर के चले, दिग्विजय सिंह जी ने, दिग्विजय सिंह साहब ने, सुनो तो यार भाई, दिग्विजय सिंह का प्रवक्ता नहीं हूं मैं, नहीं का प्रवक्ता नहीं हूँ, नेता है नहीं, वो नेता है। अरे ये तो शहजाद भाई ने उठाया क्या कांग्रेस से? उन्होंने कितने बयान दिए? बीजेपी के लोगों की चिंता करें ना, उन्होंने कितने गलत बयान दिए? कानून की किताबें को जस्टिफाई कर रहे हैं। मान लीजिए दिग्विजय सिंह ने कोई गलत बयान दिया तो बीजेपी के नेता भी देंगे क्या? वो भी बताओ जरा, क्या बात समीर भाई, इससे तो अच्छा विज्ञापन करना शुरू कर दीजिए शाहरुख खान का और आमिर खान का, जिस प्रकार के डिबेट हम कर रहे हैं। विजय शंकर जी, हमें आपको उनके विज्ञापन की जरूरत नहीं है। आमिर खान और शाहरुख खान को इस देश की जनता सिर आंखों पर बिठाती है, उन्हें विज्ञापन की जरूरत नहीं है हमारे जैसे लोगों की। बात सुनिए, आपकी गलतफहमी है, ये आपकी गलतफहमी है। आमिर खान भाई, समीर खान भाई गलतफहमी नहीं है, आप बात सुनिए पहले। उन्होंने एक टीवी डिबेट में कहा था, भारत को नमन, बाथरूम को नमन, लेकिन मेरी फिल्म हिटो लाइन दीजिए, इसके बाद कमेंट करूंगा। ये नहीं घमंड, अरे
अब भी दिखा रही है कहां से बयान। पिछली बार आपने कमाल खान के बयान को शाहरुख खान का बताया, आज आप एक नया बयान इमेजिन करके आ रहे हो। नहीं शाहरुख खान शाहरुख खान इसको बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ। चक्रपाणी महाराज क्यों नचवाते उसको अपनी बेटी की शादी में? चक्रपाणी महाराज आप इसे किस तरह से देखेंगे? आज ये जो कैलाश विजयवर्गीय का बयान है, अंसार भाई मैं आ रहा हूँ, अगर इजाजत दें तो सायना जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ। कि नरेंद्र मोदी साहब आप लोगों के हिसाब से दुनिया में बहुत, इसमें कोई शक नहीं है कि खूब पहुंच उनकी पूरी दुनिया तक हो गई, भारत का नाम रोशन हुआ, जहां जाते हैं 20,000, 40,000, 50,000 पब्लिक मोदी 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 करके पूरे हॉल को गुंजा देती है। हिंदुस्तान में विजयवर्गीय जैसे लोग और आपके जो बिहार के जो कुछ नेता आते हैं वो लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी साहब जब रात में अपने कमरे में तन्हाई में जाते होंगे तो अपने बाल नहीं नोचते होंगे कि किन लोगों में फंस गया हूं मैं? सरगना है वो, कहां नोचेंगे बाल, वो सरगना है, वो उनके कंधे पर बंदूक चला। जवाब शायना जी, सॉरी आपको सवाल दोहराना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये ऑडियो आपका मुखौटा गिर गया, विभाजन का एजेंडा दिख गया, विकास का जो मुखौटा मोदी जी ने लगाया बिल्कुल गलत से पहले वो उतर गया। आपके कहने से कुछ नहीं होता है, फितरत और जहनियत है वो हमको दिख रहा है, इसलिए अलीगढ़ से माइनॉरिटी हट गया, इसलिए जामिया से माइनॉरिटी हट गया, मदरसे दहशतगर्द के अड्डे बन गए, और इसलिए शाहरुख खान को पाकिस्तान और आमिर खान को अरब सागर भेज रहे हो। चलिए ठीक है शहजाद, नेपाल भेज। चक्रपाणी महाराज मैं आपसे जानना चाहूंगा, हिंदू महासभा आपका जो संगठन है, आपका विश्लेषण ही गलत है जी। जो मोदी जी को कोई बयानबाजी करना था, टिप्पणी करना था तो वो करते, जब उनको लगता है कि जो बेमतलब चर्चा जहां आप कुछ कहें, कोई और मिर्च मसाला डालें, कोई और कुछ कहे, उससे अच्छा उनको एक ही मैंडेट मिला है, वो है नेतृत्व राजनीति। अमित शाह को पता है बात, पाकिस्तान का जब जिक्र बिहार में किया तो वो प्रगति के और बिहार के लोगों ने कराची पहुंचा दिया, तो अमित शाह को मोदी जी के मन की बात पता थी? मोदी जी के मन की बात अमित शाह को पता थी क्या? बिहार में ठीक है शहजाद, अब चक्रपाणी महाराज चक्रपाणी महाराज मुझे पूछ, चक्रपाणी महाराज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, हिंदू महासभा जो आपका संगठन है, इस संगठन ने बढ़ चढ़कर यह दावा किया था कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो देश में गोरक्षा कानून बनेगा, यानी पूरे देश में गौवंश पर के काज की जो हत्या की जाती है उस पर रोक लगाई जाएगी, इसे गैर कानूनी बनाया जाएगा। अब तो 2 साल होने जा रहे हैं सरकार के, अब क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, क्योंकि अभी भी तमाम ऐसे राज्य हैं, केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, वहां पर गोमांस खाने पर, ले जाने पर, गौकशी पर पाबंदी नहीं है। आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बिल्कुल, हम लोग सरकार को बड़ा सहयोग किए सरकार बनाने में, हमारे एक एक कार्यकर्ता लगे रहे। हाँ। और अभी 3 दिन पहले हम राजनाथ सिंह जी से मिले थे इसी विषय पे। अच्छा। और हमने कहा भी बल्कि कि आज आमिर खान को निकाला गया जबकि उसको रखना ही नहीं चाहिए था तुल्य भारत में, अब पीके फिल्म के माध्यम से उसने धर्म का अपमान किया था, जिस प्रकार से परेश रावल ने सुन लीजिए, परेश रावल करते थे, आप कब से इतने असहिष्णु हो गए? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है, चक्रपाणी जी एक बात बताइए, मतलब सारी दिक्कत आना मान से किया जा सकता है क्या? अगर मैं भी बोल दूंगा तो कोई कानून बनाना चाहिए, गोरक्षा के लिए कानून बनाना चाहिए। और अरे ओ माय गॉड के टाइम पे कहां थे आप? परेश रावल ने ओ माय गॉड में उससे भी ज्यादा बुरा बोला, बोलने दीजिए उनको। अरे बोलने दीजिए उनको, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग कहां थे ओ माय गॉड के समय? चलिए चक्रपाणी जी को जवाब देने दीजिए, चक्रपाणी देखो आबाजी समीर आबाजी बोलने लगता है, उनको बोलने दीजिए, चक्रपाणी जी आप बोलिए, समीर आबाजी हमें लगता है कुछ आवाज ये लगता है कुछ असहिष्णु लोग बैठ गए जो मुझे बोलने नहीं दे रहे। नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। बात का है, देखिए इसको समझना होगा। हाँ। कि चाहे गोरक्षा केंद्रीय कानून हो या राम मंदिर हो, ये धर्म, ये हमारे पूरे देश की आस्था इससे जुड़ी हुई है, और इसके लिए पूरे देश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया। हाँ। अब सवाल इस बात की, राज्यसभा में हमें लगता है कि अभी पूर्ण बहुमत नहीं है, और बहुमत 2016-17 में हो जाने के बाद हमें लगता है इस पे काम होगा, लेकिन तब तक मुस्लिम बंधु जैसे अंसार राजा साहब, शांति पसंद व्यक्ति
व्यक्ति है, चाहे साजादी है, इन लोगों को चाहिए, ऐसे भाइयों को चाहिए कि मुस्लिम समाज से रिक्वेस्ट करे कि किसी भी प्रकार से गौ रक्षा के लिए प्रचार करे और कोई भी इस तरह से अपने समाज में अगर जो कोई भड़काने वाली बयान देता है और समाज आगे आकर गौकशी पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय कानून सरकार बनाए, इसके लिए क्या मुस्लिम समाज देश का आगे आएगा? मैं सबसे पहले भावना सब कहता हूँ और ये स्वामी चक्रपाणी जी को पता है कि मैंने सबसे पहले इनका समर्थन किया था कि कानून बनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले उन पर पाबंदी लगे जो बड़े बड़े स्लॉटर हाउस चला रहे हैं मुसलमानों के नाम पर। और सबसे बड़ी बात, जो अरब देश भेजा जा रहा है गोश्त, वो जानते हो आप कैसे कटता है? एक आरे पर कलमा लिखा हुआ है, जबकि वो इस तरह का गोश्त खाना ही हराम है, वो खिलाया जा रहा है। चलिए ठीक है शहजाद, सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में। मैं स्वामी चक्रपाणी जी, मैं सारे देश के मुसलमानों को कहता हूं, क्योंकि हमने तो पतमेड़ा में किया काम गौ के लिए, आप तो भाग गए। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, एक मुसलमान दोस्त ने मुझे पूछा, स्वामी विवेकानंद की किताब पेज 537 फुल वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने वेदों के एक मिनट चक्रपाणी जी, आप वेदों को कोट कर रहा हूं, मैं वेदों को कोट कर रहा हूं, स्वामी विवेकानंद ने वेदों को कोट करते हुए सवाल इस बात का है, आपको पता नहीं है, गौर रक्षा केंद्रीय कानून के लिए हमारी पूरी हिंदू महासभा और पूरी हमारी सैकड़ों संस्थाएं काम कर रही है। अभी अभी हमारी 14 तारीख को कल बहुत विशाल मीटिंग हुई और गौर रक्षा केंद्रीय कानून के लिए आंदोलन कर रही है। सवाल इस बात का है कि हम लोगों ने तो जीवन लगा दिया, हम लोग राजनीति नहीं करते, हमारा गौ रक्षा या राम मंदिर राजनीतिक हमारे लिए एजेंडा नहीं है, हमारे लिए आस्था से जुड़ा हुआ चीज है, इस बात को समझना होगा आपको। स्वामी चक्रपाणी जी, लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा, जिसका आप भेष धारण करते हो, स्वामी विवेकानंद का आप कॉपी करते हो, उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि काउ स्लॉटर करना जरूरी है एक अच्छे हिंदू के लिए। आप हमें वो बताइए कि स्वामी विवेकानंद जी की किताब, अरे शहजाद पूनावाला जी बताइए ना, अब बताइए असा की बुक्स उन्होंने नहीं लिखा है, अरे हम विजय पाटिल जी करते उनके आदर को विजय पाटिल जी, आप किसके आदर को पर अगर मैं गलत साबित, आप गलत बात कर रहे, आप गलत बात कर रहे, आपको आप कहिए अगर ये मेरी बात गलत निकले तो मैं आप जो कहेंगे मैं करूंगा। गलत है, बिल्कुल गलत है, सत्य है, बिल्कुल गलत है। विजय शंकर जी चलिए खत्म करते हैं ये बात। विजय शंकर जी, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि बीफ एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है देश में, इसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया विश्व हिंदू परिषद ने, और 2013 से 14 के आंकड़े अगर हम देखें और उसको 14-15 के आंकड़ों से मिलाएं तो बीफ एक्सपोर्ट देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्योंकि असल मसला तो ये है, ढेर से आप लोग दूसरे मसलों पर हैं। ठीक है, आपने ठीक प्रश्न किया जी, और हमने इस विषय में जब चर्चा की हाँ, तो ध्यान में आया कि एक ग्राम भी हाँ, गाय का मांस भारत से एक्सपोर्ट नहीं होता है। आपको कोई एतराज नहीं है, मटन पर आपको कोई एतराज नहीं है, फिर अखलाक की हत्या क्यों कर दी जाती है, फिर हरदा में ट्रेन में गोरक्षा समिति के लोग घुस क्यों जाते हैं, लोगों के बैगों की तलाशी क्यों ली जाती है? नहीं नहीं, देखो देखो देखो, मध्य प्रदेश की घटना को फिर आप, मैं रिपीट कर रहा हूँ हाँ। जो घटना हम दिखा रहे हैं वो घटना नहीं है सर, जब रिपोर्ट आएगी तो आपको इसका उल्टा मिलेगा। विजय जी, मेक इन इंडिया का प्लान जो है ना, उसमें लेदर इंडस्ट्री को प्राथमिकता दी गई है। मेक इन इंडिया का आप कभी ब्रोशर पढ़िएगा, आप तो नहीं पढ़ते होंगे, आप ही के सरकार के लोगों का ब्रोशर, मैं पढ़ता हूँ, चाइना जी ने भी पढ़ा होगा, लेदर इंडस्ट्री को वहां पे तरजीह दी गई है। लेदर किसकी बनती है? आरएसएस के जो जूते और बेल्ट बनते हैं वो किसके बनते हैं भाई? लेदर जूते लगाते हो, लेदर आपकी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए बेल्ट, अरे मेरे भाई, अरे सुनो सैजाद भाई, मत पूछे बोलिएगा कि आर्टिफिशियल लेदर है। नहीं चाइना जी, नहीं नहीं चाइना जी, 2014 के चुनाव प्रचार में, एक मिनट आंसर, 2014 के चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी ने भारत में तेजी से बढ़ते बीफ कारोबार पर जमकर सवाल उठाया था, ये तो हम सबको पता है। ठीक है, अब ये कारोबार बढ़ता जा रहा है तो आपको, आप ये बात तो मानेंगे कि बीजेपी ने इस ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी ने जमकर राजनीति की है, और कहीं ना कहीं कोई राजनीति नहीं की है जी, और कहीं ना कहीं बीफ एक्सपोर्ट को एक खास समुदाय से जोड़कर भी देखा जाता है, जबकि असलियत इसके विपरीत है ना, ये मानेंगे आप?
सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब महात्मा गांधी जी गौ हत्या के बारे में बात करते हैं तो वो तो बिल्कुल एक सही विचार है, सही दिशा में। जब बीजेपी कहती है कि गौ की रक्षा करनी चाहिए तो ये सिर्फ गौ माता जी किसी के पीछे तलवार और डंडा, गौ हत्या पर पाबंदी होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। मुझे लगता है तो सबको ये केरला में जो हो रहा था, सदियों से जो चर्चा हो रही है, जब यूनिवर्सल गुरुज जैसे जग्गी वासुदेव वो क्या कहते हैं कि इफ यू किल अ डॉग एवरी डॉग लवर सेज कि क्यों आपने तो ऐसे आपको किया से क्या एनिमल लवर्स कहते हैं, यहाँ आपको कोई दिक्कत बैल नहीं से है, नफरत है से आपने यहाँ जो जो अभी शहजाद भाई ने मेक इन इंडिया का तस्करा जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है। जहाँ तक व्यवसाय का सवाल है, कितने सारे लोगों को स्किल के माध्यम से हमने एसिमिलेट किया है पूरे, वही आपसे कहना चाह रहा हूँ, उनके बारे में चर्चा नहीं की है। साइना जी चलिए डिबेट होती रहेगी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। शहजाद भाई ने मेक इन इंडिया की बात की, आपने एक स्किल की बात की है। मैं छोटी सी गुजारिश आपसे करना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी चीजों का ऐलान किया है, अभी हाल ही में उन्होंने ब्लू रेवोल्यूशन की बात की है, हम अच्छी बात है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं, वो तो सैफरन रेवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसमें जहां से बुनियाद रखी जानी चाहिए थी वो तो प्राइम मिनिस्टर ने छोड़ दिया, उसको शामिल करना चाहिए। हिन्दुस्तान में नेशनल लेवल की इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे नेशनल फिशरमैन कोऑपरेटिव लिमिटेड, इन तंजीमों को जोड़ना चाहिए था उनको, तब जाकर के आपका ये सफल हो पाता। बगैर फिशरीज के जोड़े हुए आप मानेंगे कामयाब हो पाए जी, आप मानेंगी चाहे वो दादरी की घटना हो या फिर दादरी पार्ट 2-3 जिस तरह से करने की कोशिश की गई कि भाई आप बैग में झांक के देखो क्या है, अगर मांस निकलेगा तो आपकी पिटाई की जाएगी, आप मानती हैं चाहे वो दादरी हो या फिर हरदा हो, इस तरह की घटनाओं से देश की जो छवि होती है उसको धक्का लगता है बाहर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जो बातें होती हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप जी, आप मानेंगे ये बात सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि अगर इन्हीं घटनाओं को देखते हुए अगर कोई कह देगा कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है तो फिर बीजेपी के नेता उसके पीछे पड़ जाएंगे। देखिए मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि एक हादसे हो या 100 हादसे हैं तो उससे देश की छवि खराब होती है, लेकिन आप कृपया पता कर लीजिए कि कहाँ है निजी मतभेद या निजी झगड़ा और कहाँ है जिस ढंग से आपने कहा शाना जी कितने लोगों को आजादी दे दी है बैग की तलाश और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कौन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कौन समझ रहा है लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश के सवाल एक मुद्दे हर एक मोदी जी के प्रति प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो शायना जी आप प्रश्न नहीं उठा रहा है, शायना जी आप निंदा करेंगी इस घटना की, बीजेपी इस घटना की निंदा करेगी और मध्य प्रदेश सरकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आप लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में जो लोग भी शामिल थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो कार्रवाई में जो नतीजा निकलता है उसके प्रति आपको भी स्वागत करना पड़ेगा। जहां आपको लगे कि नहीं इसमें सरकार दोषी नहीं है, क्या आप में वो हिम्मत है कि आप कहें? लगातार मैं सुनते आ रही हूं कि देखिए दादरी में क्या हुआ, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश के सवाल के सरकार को सवाल नहीं किया है, आपने ऐसे ही पेश किया कि देखो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि भारत की ताकत है ये कॉस्मोपॉलिटन स्पिरिट, जहां हर एक कौम के लोग रहते हैं, हर एक वर्ग स्तर के लोग मिलजुल के रहते हैं, और जो गिने चुने लोग इसके सोशल फैब्रिक को बिगाड़ना चाहते हैं तो अफसोस की बात है। टेलीविजन डिबेट्स में वो अफसोस की बात बस, लेकिन ये भी है शायना जी, जब बीजेपी के कोई बड़े नेता जब बीजेपी के कोई बड़े नेता इस तरह का बयान देते हैं तो पार्टी का सबसे बड़ा नेता सामने नहीं आता, उसका खंडन नहीं किया जाता। खंडन कौन कहता है कि नहीं होता है? कैलाश विजयवर्गीय के बयान का ये जो ताजा बयान है इसका किसी ने खंडन नहीं किया। कैलाश जी आप बहुत लिबरल है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आपकी मजबूरी भी समझ रहा हूँ, लेकिन बीजेपी का कोई बड़ा नेता आज आगे नहीं आया। प्रति टिप्पणी चाहते हैं और यहाँ ये मुद्दा अलग है, आप क्या कोरिलेट कर रहे हैं? यू आर टॉकिंग अबाउट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। और जो आपको सिर्फ टीआरपी के लिए ये चलाना नहीं, है नहीं 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 शायना जी, आप शायना जी मीडिया पर आरोप मत लगाइए, भारत एक घटना घटी है वो हमें दिखाना होगा, बहस हमें करनी होगी, घटना अलग तरफ बयानबाजी अलग तरफ, दोनों चीजें इंटॉलरेंस से जुड़ी हुई है। शायना जी कैलाश विजयवर्गीय के बयान का मैंने इसलिए जिक्र किया कि दोनों इंसिडेंट इंटॉलरेंस से जुड़े हुए हैं, हमारी चर्चा इंटॉलरेंस पर हो रही है। शायना जी
ये चर्चा ना गायब है इसकी। मैं इंटॉलरेंस पे दो तीन सवाल पूछना चाहती हूँ। एक मिनट शहजाद, मैं ये एक सवाल आपको पूछने दीजिए, फिर आप सभी चीजों का जवाब साथ में दीजिए। इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस क्या है ये? इंटॉलरेंस ये वही लोग गिने चुने, आपको पता है ये अवार्ड्स जिसने रिटर्न किया है उनका जो एजेंडा रहा है पिछली बार या उसके पहले, क्यों उन्होंने 26 भारत के बाद नहीं रिटर्न किया? 1960 क्राइस के पास रिटर्न नहीं किया, सिर्फ अचानक से मोदी जी के प्रति, और उन अवार्डीज में से एक भी मुसलमान नहीं था। आप मुझे बताइए, जो देश के कम्युनिटी, मुझे शो वाइंड अप करना है शायना जी, मैंने सुन लिया आपका सवाल, मुझे शो वाइंड अप करना है। आखिरी कमेंट, आखिरी कमेंट, पहली बात तो शायना सुन लीजिए ना, मुनावर राणा ने अवार्ड दिया और वो मुझे लगता है मुसलमान है, पता नहीं उनका धर्म परिवर्तन घर वापसी आपने करवा दी हो, पर सुनिए ना शायना जी, शायना जी सुनिए तो, मुझे लगता है हमें मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए पूरी खबर। मैं नहीं कर रहा ना, उन्होंने बोला ना मुसलमान ने नहीं दिया। शायना जी कह रही है कि देखिए इंटॉलरेंस कहाँ है, ये सारे गिने चुने लोग है, गैंग है। अरे भाई बहुत अच्छी बात है, शाहरुख खान ने इंटॉलरेंस की बात की तो क्या हुआ, हमने देखा वही बात रघुराम राजन, नारायण मूर्ति और प्रणब मुखर्जी ने की, तो उनके खिलाफ ना एक आवाज उठी, ना उनको अवार्ड वापसी, गैंग का दर्जा दिया गया। यही आपकी जो दो दृष्टि है ना, मुसलमान के लिए एक दृष्टि और हिंदू के लिए एक दृष्टि, यही तो इंटॉलरेंस है, यही तो आइन के खिलाफ है। और मेरे एक 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 छोटी बात ले लीजिए, विजय जी, मूर्ति ने विजय जी कहा है कि विजय जी एक सोल्यूशन हमने ना कहा था, विजय जी एक सोल्यूशन ले लीजिए, आप सब गौ प्रेमी हो, गौवंश बढ़ाने के लिए बैल की सुरक्षा भी जरूरी है, जलीकट्टू में तो बेचारे बैल मर रहे हैं, उधर तो आप मत करिए, आप राजस्थान चले जाइए, हजारों गायें खेतों में भूखी, जिस्म उनका चिपक गया है, हड्डियों से हड्डी दिख रही है, कोई नहीं जाता, जब बहाने वाले आती है तो वहां पे आप में से कोई नहीं आता, हम रोटी डालते, हम चारा डालते, कभी वहां पे भी आ जाइए, जो महाराष्ट्र की गायें मर रही है और किसान के पास पैसा नहीं है, वहां पे भी तो चले जाइए, सियासत की रोटियां जो है बाद में। चलिए इस मुद्दे पर सियासत कम से कम बंद होनी चाहिए। और शायना एनसी ने बहुत बड़ी और अहम बात कही कि मध्य प्रदेश सरकार से वो गुजारिश करेंगे कि इस इंसिडेंट के पीछे जो लोग भी हैं गोरक्षा समिति से जुड़े हुए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी वो मांग पार्टी की तरफ से करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शायना आपका, शहजाद आपका, चक्रपाणी महाराज आपका, मौलाना अंसार रजा और विजय शंकर जी हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। और इस तरह के जो बयान आते हैं कि भाई दंगल में मंगल करना है, कैलाश विजयवर्गीय जब बीजेपी के इतने बड़े कद के नेता इस तरह का बयान देते हैं, तब भी कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत होती है, और जरूरत यह भी होती है कि ऐसे बयानों की तुरंत सामने आकर निंदा की जाए और सिर्फ उससे पल्ला ना झाड़ लिया जाए। बहरहाल हमारे तमाम जो दर्शक थे वो भी हमारे साथ इस बहस को देख रहे थे और जुड़े हुए थे हमारे साथ, हमने उनसे सवाल पूछा था क्या दादरी पार्ट टू करने पर आमादा है कट्टरवादी संगठन, आप में से 65% लोगों ने कहा है हाँ, जबकि सिर्फ 35% यानी 35% लोग अपना जवाब नहीं में दे रहे हैं, तो ज्यादातर का ये मानना है कि ये डर तो बना हुआ है। और आज सीधा सवाल में मेरे साथ बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लाइव इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, नमस्कार।